Welcome and good morning all. Today our topic is basics of adverbs. हिंदी में क्रिया विशेषणों की मूल बातें। क्रिया विशेषण क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, ये सब हम पढ़ जाएंगे बेसिक्स ऑफ एडवर्ब्स के अंतर्गत। ध्यान से पढ़िए, जितने टाइप्स हैं सारे याद हो जाएंगे। क्रिया विशेषण के बारे में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले डेफिनेशन देखते हैं, क्रिया विशेषण की डेफिनेशन क्या है। आप तो हिंदी से जानते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है क्रिया विशेषण कहते हैं। नाम में देखिए, शब्द से भी क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बतलाने वाला। तो जो शब्द, जो वर्ड क्रिया की विशेषता बतलाता है क्रिया विशेषण बोलते हैं। लेकिन इसका जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है, क्रिया विशेषण का भी विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव का भी विशेषता बतलाता है, प्रेपोजिशन का भी विशेषता बतलाता है और फ्रेज का भी विशेषता बतलाता है, कहते हैं क्रिया विशेषण। जो पांच लिखा ना, पांचों का इधर पांच एग्जाम्पल दिया हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। पहले बेसिक्स ऑफ एडवर्ब्स में डेफिनेशन ये हुआ, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द एक्शन इन अ सेंटेंस बाई मॉडिफाइंग अ वर्ब, एन एडवर्ब, एन एडजेक्टिव, अ प्रेपोजिशन एंड अ फ्रेज। ये है इसका डेफिनेशन। इतना याद कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बातें समझ में आएगी। वो है कि एडवर्ब एक वर्ब की, खुद एडवर्ब की भी, एडजेक्टिव की, प्रेपोजिशन की और फ्रेज के विशेषता बतलाता है, मॉडिफाई करता है, मतलब हिंदी कहिए इसका विशेषता बतलाता है। क्या होता है, राम वॉक्स स्लोली। राम वॉक्स का मतलब राम टहलता है और स्लोली मतलब धीरे धीरे। तो टहलना कैसा है इसका, धीरे धीरे है। तो यहाँ पे ये वॉक्स का विशेषता बतला रहा है जो वर्ड है, तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता स्लोली बता रहा है, इसलिए स्लोली को बोलेंगे क्रिया विशेषण एडवर्ब। पहला जो था वर्ब की विशेषता बतलाने का, ये कंप्लीट होता है। दूसरा हम देख रहे हैं क्रिया विशेषण का भी विशेषता बतलाता है क्रिया विशेषण। कैसे, राम वॉक स्लोली था ऊपर, उसी को लिखा है, यहाँ पे वेरी डाल दिया। तो राम वॉक स्लोली, यहाँ तो दिक्कत नहीं है, यहाँ स्लोली एडवर्ब है, लेकिन अब वेरी स्लोली बहुत धीरे धीरे, अब स्लोली का भी जोर दिया इसने। तो इस तरह से जो वेरी वर्ड हो गया, यह हो गया क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण, स्लोली का क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे दूसरे का कंप्लीट होता है। तीसरा एडजेक्टिव का, मुनी वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड। यहाँ पे टायर्ड जो है यह एडजेक्टिव खुद है, टायर्ड एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव का विशेषता बतलाने के लिए एक नया वर्ड आ गया है, एक्सट्रीमली, मतलब मुनि बहुत अधिक थकी हुई थी। तो यहाँ पे मुनि थकी हुई थी, थकी हुई ही विशेषता बतला रहा है, विशेषण है ही, लेकिन बहुत अधिक, तो इस एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है एक्सट्रीमली, इसलिए एक्सट्रीमली कहला जाएगा ये एडवर्ब, एडजेक्टिव का एग्जाम्पल हो गया। फिर है प्रेपोजिशन का, द बर्ड फ्लाइज डायरेक्टली अबव माई हेड। यहाँ पे डायरेक्टली को अभी नहीं पढ़ते हैं, द बर्ड फ्लाइज अबव माई हेड की हिंदी क्या होती है, पक्षी मेरे सर के ऊपर से उड़ता है, पक्षी मेरे सर के ऊपर से उड़ता है। अब है डायरेक्टली अबव माई हेड, मतलब ठीक मेरे ऊपर, डायरेक्टली मतलब ठीक, मतलब सर के ऊपर से ही, लेफ्ट से राइट से नहीं, ऊपर से ही, यहाँ डायरेक्टली। तो यहाँ जो अबव है, अबव को और स्पष्ट कर दिया गया है डायरेक्टली लगा करके, मतलब मॉडिफाई कर रहा है डायरेक्टली अबव को, अबव की विशेषता बतला रहा है, इसलिए कहेंगे डायरेक्टली को एडवर्ब और यह प्रेपोजिशन के ग्रुप में आ जाएगा, प्रेपोजिशन के लिए एडवर्ब हो गया। अब लास्ट बचा फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जैसे यहाँ पे वाई आई लेफ्ट, यह एक फ्रेज है। हाँ देखिए, दैट इज द रीजन, यह वही कारण है, वाई आई लेफ्ट जिस कारण से मैं चला गया। तो यहाँ पे देखिएगा, अभी वाई को नहीं पढ़ते हैं, दिस दैट इज द रीजन, यह वही कारण है, आई लेफ्ट मैं चला गया, तो मैं चला गया और फिर वाई मतलब जिस कारण से, तो मेरे जाने का जो कारण है इस कारण को मॉडिफाई वाई कर रहा है, इसलिए आई लेफ्ट जो एक फ्रेज है इसको मॉडिफाई वाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्रेज की भी विशेषता बतलाता है।
तो आप जो डेफिनेशन जानते थे एडवर्ब्स का, अब उसमें इंप्रूव करेंगे. एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडवर्ब, एन एडजेक्टिव, अ प्रीपोजिशन और फ्रेज. लेकिन कम से कम इतना याद रखेंगे कि एडवर्ब वर्ब का, एडवर्ब का और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है. प्रीपोजिशन और फ्रेज भूल भी जाएंगे तो चलेगा, लेकिन वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव याद रहना चाहिए. चलिए स्लाइड फर्स्ट कंप्लीट्स. नाउ टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स 10 है, 10 प्रकार है इसके, 10 प्रकार का को देखते हैं. एडवर्ब्स ऑफ मैनर मतलब आप जानते हैं, मैनर मतलब तरीका होता है. तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर मतलब कि कोई कार्य किस तरीके से हो रहा है, एक्शन किस तरीके से हो रहा है. एक्शन का सब कुछ होता है, वर्ब का ही सब कुछ होता है. तो एक्शन किस तरह से हो रहा है, तो एक्शन धीरे धीरे हो रहा है, उदासी से हो रहा है, तेज हो रहा है. तो यहाँ पे जो स्लोली, सैडली, फास्ट है, यह एक्शन को व्यक्त करने का तरीका है, रीति है. रीति मतलब तरीका, मन मतलब रीति. तो ऐसे वर्ड्स जो रीति व्यक्त करते हैं, मैनर व्यक्त करते हैं कि वह किस मैनर से हो रहा है, उसे बोलते, उसको रखते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर के ग्रुप में. यहाँ पे हो गया एडवर्ब्स ऑफ मैनर का एग्जांपल. एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहिए चाहे एडवर्ब ऑफ मैनर कहिए, कुछ अंतर नहीं पड़ता है. हिंदी रीतिवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, मतलब कार्य करने, कार्य एक्शन कहाँ पे हो रहा है. यहाँ पे सब एक्शन जोड़ देंगे कि एक्शन किस तरीके से हो रहा है, एक्शन कहाँ पे हो रहा है, एक्शन किस समय में हो रहा है, एक्शन कितनी बार हो रहा है, एक्शन कितना अधिक कितना कम हो रहा है, एक्शन में प्रश्न जब पूछा जाएगा, एक्शन का सही कंफर्मेशन भेजना है, एक्शन का उल्टा कंफर्मेशन भेजना है, एक्शन का कारण बताना है, और रिलेशनशिप जोड़ने के लिए. तो सब में एक्शन रहेगा. अब एक्शन किधर हो रहा है, प्लेस क्या होता है. अब बोलते हैं ना यहाँ, वहाँ, कहीं, समवेयर, कहीं, चाहे एवरीवेयर, हर जगह. तो जो ये एग्जाम्पल्स हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल है. टाइम, एक्शन किस समय हो रहा है. तीसरा है टाइम. अभी हो गया मैनर, प्लेस, तीसरा टाइम. टाइम में टुडे, टुमोरो, यस्टरडे, ये आता है टाइम के अंदर, और सारे के सारे एडवर्ब हैं. फ्रीक्वेंसी मतलब एक्शन कितनी बार हो रहा है, बारंबारता, जो आप पढ़े हैं मैथ्स में. तो प्रायः हो रहा है, दुर्लभता से हो रहा है, ऑलवेज हो रहा है. तो ये सब जो कहेंगे आप, यह दिखाता है कि कितनी बार हो रहा है. ऑलवेज मतलब हमेशा हो रहा है, मुश्किल से हो रहा है, रेयरली मतलब, और फिर मतलब प्रायः होता है. तो यहाँ सब यह दिखाता है फ्रीक्वेंसी, एक्शन का फ्रीक्वेंसी दिखाता है. डिग्री कितना अधिक कितना कम, बहुत, बिल्कुल, ये सब जो होता है ये डिग्री दिखाता है. जैसे बहुत कैसे होगा, तो वेरी हॉट कह दिया आपने, बहुत गर्म. तो ये हो गया वेरी, यहाँ पे एडवर्ब, और आएगा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के अंतर्गत. देन नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है. एडवर्ब ही रहेगा, क्रिया विशेषण का ही कार्य करेगा, लेकिन उस वर्ड का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए भी होगा. जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, जब हम पढ़ेंगे इसका सबके बारे में तो एग्जाम्पल भी मिलेगा सेंटेंस में. एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन में क्या होता है, आप स्वीकृति देते हैं, स्वीकृति वाचक, स्वीकृति देते हैं मतलब कि यस बोलते हैं. Surely, certainly, ये सब क्या है, स्वीकृति के लिए है, निश्चित रूप से. Certainly भी निश्चित रूप से ही होता है. फिर adverbs of negation में आप मना करते हैं, निषेध करते हैं, इसके लिए एक ही वर्ड है not. फिर adverbs of reason में कारण सूचक क्रिया विशेषण होता है, रीजन बताने के लिए कि एक्शन का रीजन क्या था, तो हम उसको कहते हैं hence मतलब इसलिए, therefore मतलब इसलिए, ये सब रीजन बताने के लिए होता है. और relative adverbs में क्या होता है, रिलेशनशिप जोड़ता है एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच में एडवर्ब का काम करते हुए, उसे बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स. और यहाँ पे वाई, वेन जैसे वर्ड्स आते हैं. तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स देख लिया आपने, 10 होता है. 10 का टाइप्स को याद करने के लिए एक तरीका है, वो तरीका है FRND, प्रीतम, फ्रेंड प्रीतम, फ्रेंड प्रीतम. यहाँ से सभी जो टाइप्स थे उनके जो मेन वर्ड है उनका फर्स्ट लेटर लेकर के बना दिया गया है तरीका इसको याद रखने का. फ्रेंड प्रीतम से आप पूरे के पूरे को याद रखेंगे. लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, आर का मतलब आपको याद रखना है कि रीजन, आ चाहे रिलेटिव कुछ भी रख दीजिए पहले, दूसरे आर में एक रखते तो दूसरा रखना पड़ेगा. एन का मतलब निगेशन होता है, डी का मतलब डिग्री होता है, पी का मतलब प्लेस होता है, आर का मतलब आपको कहा कोई एक रखते तो दूसरा रखना पड़ेगा, और आई का मतलब इंट्रोगेटिव होता है, टी का मतलब टाइम होगा, ए का मतलब
अफर्मेशन हो जाएगा और एम का मतलब आप समझ रहे हैं मैनर हो जाएगा। तो इस तरह से सारे मेन वर्ड्स का फर्स्ट फर्स्ट लेटर लेकर मैंने एक एक्रोनिम बना दिया है जिसे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब कि जो जो कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है, एक्शन हाउ और इन व्हाट मैनर, कैसे और किस तरीके से हो रहा है, इसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए, सैडली राम वेव्ड मोना गुड बाय, दुखित रूप से राम ने मुन्ना को गुड बाय कहा। तो यहाँ पे जो तरीका है दुखित रूप से, सैडली, यह होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। नॉर्मली एडवर्ब ऑफ मैनर में एल वाई लास्ट में लगा रहता है। नॉर्मली कहा, क्यों नॉर्मली कहा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर में मैंने एक फास्ट भी लिखा है, फास्ट का फास्टली कभी नहीं होता है, फास्ट एडवर्ब है। तो लेकिन स्लोली सैडली लिखा है, यहाँ पे एल वाई लगा हुआ है, तो इसीलिए नॉर्मली एल वाई होता है। मयूर ran fast and overtook all the other runners, मयूर तेज दौड़ा और दूसरे रनर्स को पछाड़ दिया। तो यह फास्ट जो है दौड़ने का तरीका बता रहा है, इसलिए यह है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होता है कि एक्शन का प्लेस, एक्शन घटित जो हो रहा है, टेक्स प्लेस हो रहा है, घटित हो रहा है, वह कहाँ हो रहा है, प्लेस बताता है। तो आपने देखा यहाँ एवरीवेयर, हियर, देयर भी उधर उदाहरण था, ये सब प्लेस के लिए हो गया है। फिर एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है कि एडवर्ब बताता है कि एक्शन किस टाइम पे हो रहा है, वेन हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है। तो कल होगा, मतलब कल, आने वाले कल के लिए टुडे, यस्टरडे, ये सब जो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम का उदाहरण होता है। सेंटेंस बहुत सिंपल है, हिंदी आप समझ रहे होंगे, रोहित इज गोइंग अवे टुमारो। फिर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में बताता है कि जो एक्शन है कितना जल्द जल्द हो रहा है, हाउ फ्रीक्वेंस, हाउ ऑफन द एक्शन इज टेकिंग प्लेस, परफॉर्म या परफॉर्म किया जा रहा है, इसको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में। जैसे यहाँ पे हास्टी नहीं होगा, हास्टली होता है, एस टी आई एल वाई। तो हाउ ऑफन, आई हैव ऑफन मेड हास्टी डिसीजंस, मैं प्रायः प्रायः जल्द डिसीजन करता हूँ। तो यहाँ पे जो है किया हूँ, यहाँ पे जो है ये हार्शली, यह क्या दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है हार्शली। यहाँ पे ऑफन भी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है और साथ में रेयरली भी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। इस तरह से एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। डिग्री में होता है कि कितना, व्हाट एक्सटेंट, एक्शन जो हो रहा है वो एक्शन में जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी कोई पर्सन या थिंग कितना रखा हुआ अपने पास। जैसे कि मैं बताया कि वेरी हॉट, वेरी वहां पे जोड़ दिया था, यहाँ पे वही है, द करी वॉज वेरी हॉट, करी बहुत गर्म थी। तो यहाँ पे गर्म कितना, बहुत, तो जो डिग्री बता रहा है ना, व्हाट एक्सटेंट, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। वी वर क्वाइट बोर्ड विद द मूवी, वी आर बोर्ड विद द मूवी, हम मूवी से बोर हो गए थे। यहाँ पे क्वाइट मतलब बिल्कुल बोर हो गए थे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिल्कुल, मजा बिल्कुल नहीं आया। तो यहाँ पे जो बिल्कुल क्वाइट वर्ड है, यह भी डिग्री दिखा रहा है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का एग्जांपल है। फिर है इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछते हैं हम, वी आस्क क्वेश्चंस इसकी सहायता से, इसकी हाउ, हाउ कैन राम सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। अब पहले तो हाउ कैसे है एडवर्ब, इसको देखते हैं, और क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन में यूज हो जाता है तो होता है एनीवेज। तो यहाँ पे देखते हैं राम कैन, जो हाउ नहीं होता तो सेंटेंस कैसा होता, राम कैन सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, मतलब राम इस समस्या का निदान कर सकता है, राम इस समस्या का निदान कर सकता है। अब हाउ जोड़ दिया तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ता है, तो हाउ कैन राम सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, मतलब निदान कैसे कर सकता है, निदान करने की बात है, निदान करने का तरीका की बात चल रही है। इसलिए सॉर्ट आउट, निदान करना है, जिसका हिंदी होता है, इसके लिए इसको ये मॉडिफाई कर रहा है हाउ, और साथ में इंट्रोगेटिव का भी काम कर रहा है, इसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, वेयर आर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे हैं, वेन विल द मूवी बिगिन, मूवी कब शुरू होगी, हाउ कोल्ड इज इट आउटसाइड, बाहर कितनी ठंड है, ये सब जो वर्ड्स दिख रहे हैं शुरू के, ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। अफर्मेशन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन में क्या होता है,
इसमें होता है कि हम अपनी स्वीकृति को बतलाते हैं, वी एक्सप्रेस आवर एक्सेप्टेंस, हम अपनी स्वीकृति को बतलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन में। जैसे श्योरली यू आर मिस्टेकन, आपने गलती की है, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से आपने गलती की है। ही सर्टेनली वेंट, वह निश्चित रूप से चला गया। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं हम, अब कंफर्मेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, इसको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि हाँ ऐसा हो गया है, इसे बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। देन निगेशन में एक नॉट वर्ड आता है, जैसे ही डज नॉट नो हिम, यहाँ पे जो नॉट आया है निगेशन है। यहाँ पे हम स्वीकृति एक्सेप्टेंस नहीं, यहाँ रिजेक्शन दे रहे हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का उल्टा होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन, अपोजिट होता है। एडवर्ब ऑफ रीजन में क्या होता है कि जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन का रीजन क्या है, कॉज क्या है, किस कारण से हो रहा है, इसको डिस्क्राइब करते हैं हम एडवर्ब्स ऑफ रीजन के माध्यम से। ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, इसलिए वह स्कूल छोड़ दिया। तो स्कूल छोड़ना जो वर्ब है इसका रीजन दे रहा है, इसलिए शब्द की सहायता से रीजन थोड़ा सा डिस्क्राइब हो पा रहा है। राम इज हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्जेस, राम इज हेंस इसलिए हो गया, यहाँ इसकी भी हिंदी, राम इज अनेबल, राम असमर्थ है टू रिफ्यूट द चार्जेस, आरोप को इनकार करने से। तो राम इसलिए आरोप को इनकार करने में असमर्थ है। इस तरह से यहाँ पे जो therefore हुआ, hence हुआ, या adverbs of reason का example हुआ। relative adverbs में क्या होता है, जो यहाँ पे मैं circle कर रहा हूँ, where, why, when, ये relative adverbs हैं। relative adverbs not only modifies one word but also refer back to an incident। मैं यहाँ वन नहीं, सम वर्ड्स फिर से पढ़ता हूँ। रिलेटिव एडवर्ब्स नॉट ओनली मॉडिफाई सम वर्ड्स बट आल्सो रेफर बैक टू एन एंटीसिडेंट। देखिए यहाँ पे आई वाज बोर्न, इस चीज को मॉडिफाई कर रहा है वेयर, कैसे कर रहा है समझते हैं। आई रिमेम्बर द हाउस वेयर आई वाज बोर्न, मुझे वो घर याद है, या मैं उस घर को याद करता हूँ जहाँ मेरा जन्म हुआ था। तो जहाँ मेरा जन्म हुआ था, यहाँ पे जो जहां आया है, मेरा जन्म हुआ था उसके लिए उसको मॉडिफाई कर रहा है। जहां वेयर, यहाँ जो वर्ड आ गया तीन, आई वॉज बॉर्न, उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे सम वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा, यह एंटीसिडेंट को ही मॉडिफाई करता है। एंटीसिडेंट क्या होता है, तो किसी वर्ड के पहले का जो वर्ड होता है उसे एंटीसिडेंट बोलते हैं। यहाँ पे वेयर के पहले हाउस है एंटीसिडेंट, वाई के पहले रीजन है एंटीसिडेंट, एंड टाइम के वेन के पहले टाइम है एंटीसिडेंट। अब देखिए यहाँ पे देखा कि जहाँ जन्म हुआ था वहाँ की बात की जा रही है, तो इसको मॉडिफाई किया। अब जिस घर में जन्म हुआ था वो इधर की ही, आई रिमेम्बर द हाउस वेयर, अब उस हाउस की, तो यहाँ पे हाउस को भी करता है और इधर दोनों करता है। और कहें सामान्य भाषा में तो वेयर क्या करेगा, एडवर्ब का काम तो कर रहा है, लेकिन इसके पहले जो ये वर्ड्स हैं और इसके बाद में जो वर्ड्स हैं इनके बीच संबंध जोड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। इधर भी दिस इज द रीजन और फिर आई लेफ्ट, इसके बीच में वाई संबंध जोड़ता है, एडवर्ब का भी काम कर रहा है, तो इसको कहेंगे हम रिलेटिव एडवर्ब। ऐसे ही वेन भी रहता है, लेकिन यही सब अगर शुरू में रह जाए, वेयर, वाई और वेन, और क्वेश्चन मार्क हो जाए, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हो जाएंगे। लेकिन बीच में रहेंगे इन सारे वर्ड्स जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में होते हैं, तो उनको कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। तो इस तरह से हमारा टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स फिनिश होता है। आपने देखा आज कि एडवर्ब्स का डेफिनेशन देखा और साथ में एडवर्ब्स के 10 टाइप्स देखे। 10 टाइप्स में से आप सबके बारे में पढ़ लिया, आपने सबका एग्जांपल दे दिया और इनको याद रखने का फॉर्मूला भी बता दिया। फ्रेंड प्रीतम, जब करेंगे याद रखेंगे फ्रेंड प्रीतम, तो फ्रेंड से फ्रीक्वेंसी, आर से रीजन, फिर इधर के आर से रिलेटिव हो जाएगा, एन से निगेशन, डी से आप समझ सकते हैं डिग्री, तो जो जो मेन वर्ड्स हैं उनके निकाल किया है। तो आप फ्रेंड प्रीतम को, डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स एडवर्ब को, और साथ में जो सबके हैं, सबके जो शाब्दिक अर्थ है ना, इतना से ही आप समझ सकते हैं कि क्या काम करता है, क्या एक्शन करता है वर्ब। रीति बताएगा, स्थान बताएगा, समय बताएगा, कितना बार हो रहा है, किस अवस्था में है, प्रश्न पूछेगा, स्वीकृति देगा, निषेध करेगा, कारण बताएगा, संबंध जोड़ेगा, ये सब के सब इस तरह के वर्ब्स हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।